परिवार की बेटी के नाल इन्ना अत्याचार होया। पहला उदे नाल अत्याचार किया ते बाद चौदा कतल कर दिता गया। उसके परिवार को लाश नहीं दिती गई। उतों के पुलिस प्रशासन ने बलात्कारियां कातलों का साथ देंदे हुए पूरा उस इलाके छावनी बना दिता। इतों तक तब्दील कर दिता कि साड़ी प्रेस मीडिया इलैक्ट्रॉनिक ते दूजे नू किसे नू भी उत्थे मिलन नहीं दिता तां कि उस परिवार ना कोई दुख सुख ना कर ले। खबर लैंदे कोट कपूरा तो हाथरस यूपी समेत देश दे होर हिस्सों च बलात्कार अते कतल वर्गियां शर्मनाक वापरियां घटनावां दे विरोध विच कोट कपूरे दे पत्रकार भाईचारे वालों शांतमई रोस अते प्रदर्शन करदिआं राष्ट्रपति दे नाम एक मंग पत्र डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट नूं सौंपिआ। बत्तियां वाला चौंक कोट कपूरा विखे एकत्र होए वख-वख पत्रकारां अते होर बुलारिआं ने बलात्कारियां अते कातलां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई दी मंग नूं लैके आख्या है कि लोकतंत्र देश विच अजिहियां घटनावां साडे मत्थे ते कलंक ही नहीं बल्कि कुछ रुझाउण वाली नवीं पीढ़ी लई बहुत ही खतरनाक सिद्ध होवेगा। अजयपाल सिंह संधू जिला प्रधान कांग्रेस कमेटी अते गुरलाल सिंह लाली सूबा प्रधान लोजप्पा यूथ ने भी बलात्कारियां नूं फाहे लाउण दी मंग करदिआं इस नूं शर्मनाक वतारा दस्या है। इस संबंध विच की गलबात हुई है आओ सुनदे हां। देखो दोस्तों भाईचारा अज सारा शहर कोटकपूरे दे पत्रकार भाईचारा अते शहर दे मोहतवर पतवंते सज्जन कट्ठे होए। ये मामला ये है कि एक परिवार की बेटी दे नाल इन्ना अत्याचार होया। पहला उदे नाल अत्याचार किया ते बाद च उहदा कतल कर दिता गया। कतल करन तो बाद उत्थों उसे परिवार नूं लाश नहीं दिती गई जदों कि साडे संविधान दे विच लिखिआ कि उस परिवार नूं संस्कार करन दे रीति रिवाज दे नाल पूरे अधिकार है। उत्थों दे पुलिस प्रशासन ने बलात्कारियां कातलों का साथ देंदे हुए पूरा उस इलाके नूं छावनी बना दिता। इतों तक तब्दील कर दिता कि साड़ी प्रेस मीडिया इलैक्ट्रॉनिक ते दूजे नू किसे नू भी उत्थे मिलन नहीं दिता तां कि उस परिवार ना कोई दुख सुख ना कर ले, कोई गल बाहर ना आ जाए। जदों मानयोग अदालत ने एक टिप्पणी करदे हुए खुद नोटिस लेंदे हुए इस मामले नू चक्या तां उत्थों दी जिहड़ा सरकार है उत्थों दे उच्च अफसर है जिहड़े DGP चीफ सैकटरी हरकत च आए तो उन्होंने कुछ पुलिस अफसरां नू ते गल्लां सैगल साहब हो चुकियां ने। अज वाले प्रोग्राम बारे दसीए तो उन्होंने सस्पेंड किया, लेकिन मैं ये गल जरूर रखूँगा कि कल्ले सस्पेंड नहीं सी करना चाहिए, उन्होंने नाल दोषी बना के 201, 220, 120 की धारा के नाल उन्होंने भी उवें रखना चाहिए सी ते इन्हां नूं फांसी की असी मंग करते हैं। अज समूह पत्रकार भाईचारे ने जिहड़ा इत्थे कट किया वो एकता दिखाई है तो उन्होंने यही मंग है जिहड़ी प्रेस की आजादी है उन्हूं धक्का लाया जा रहा, थां थां ते जिहड़े पत्रकारां ते परचे दर्ज किए जा रहे हैं, थां थां ते जिहड़ा गुंडागर्दी दिखा के पत्रकारां दे कैमरे तोड़े जा रहे हैं उन्हां दी आवाज़ नूं रोकिया जा रहा है, जदों कि साडे संविधान दे विच लिखिआ है कि प्रेस नूं खुली आज़ादी है, देश दा चौथा थंब है। तो उस दे लई भी अज असीं मानयोग राष्ट्रपति साहब जी नूं डिप्टी कमिश्नर दे राहीं एक मंग पत्र देण जा रहे हैं, मैमोरेंडम देण जा रहे हैं कि सानूं इंसाफ दित्ता जावे, साडी एकता जिंदाबाद। हाँ जी गल करदे आं, मोदी सरकार नूं चेतावनी दिंदे आं, तलवार नालों कलम की ताकत ज़्यादा है मोदी सरकार योगी सरकार, जेकर तुसीं इसे तरह पत्रकारां ते जुल्म करदे रहे तां कलम की ताकत का तुहानूं अंदाजा नहीं। यह हुण पूरे पंजाब दे विच कलम की ताकत जिहड़ी उठ खड़ी है ते जिहड़े तुहाडे सिर कलम कर दूगी कलम जिहड़ी इह इन्ना कुछ ही कहिंदा होया। मैं खेमा दा जज हां, बलात्कार करन तों बाद कतल किया गया, लाश नूं खुरद-बुरद किया गया, प्रेस की आवाज़ नूं दबाया गया, इन्दे विच पता नहीं इन्नी किन्नी क मिली भुगत सी जिस दे नाल इह कम किया कि प्रेस नूं भी जिहड़ी कि सच्चाई पेश करन वास्ते नहीं दिता गया। लेकिन जेकर सच्चाई की आवाज़ नूं प्रेस की आवाज़ नूं जेकर दबाउण की कोशिश की तां देश दे पत्रकार कदे वास्ते भी चुप नहीं रहणगे। ये जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र दे विच सरकार आई है ते यूपी दे विच भी जिहड़ी BJP की सरकार है यदि डिक्टेटरशिप है जी, मैं उसनों एक खास तौर पर जिम्मेवार समझदा। ये जदों की सरकार आई है उदों का जिहड़ा आम आदमी है उन्हां दा जीना पूरी तरह नाल दुब्बर हो चुका है। ये पूरी तरह नाल कारपोरेट घराणियां की सरकार है, ये जो काम कर रही है कारपोरेट घराणियां दे इशारे ते कर रही है, पूरी तरह नाल देश दे विच तानाशाही चल रही है और इहदा खामियाजा इस सरकार नूं भुगतना पऊगा। हाँ जी
ये जिहड़ी मोदी की सरकार है देश दे विच हर हर काम च तक्का, हर गल च तक्का, हर चीज़ च तक्का। ये तक्कियां दी सरकार है, ना कि बीजेपी की सरकार। तक्कियां वाली सरकार है, ये तक्का करती हरेक वर्ग नाल। इन्हां नूं शर्म नहीं आती जिहड़ी हाथरस दे विच यूपी दे विच एक एक लड़की नाल जिहड़ा बलात्कार होया और उस तों बाद कतल कर दिता गया। पुलिस प्रशासन नूं उस पीड़ित परिवार का साथ देने की बजाय उस दोषियों का साथ दिता, उस दोषियों का साथ दिता, उन्हां दोषियों नूं उन्होंने शेल्टर दिता, उन्होंने 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 मदद की, तो उस दोषियों तो उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो उस परिवार तो वह लाश ना देंदे हुए उन्होंने आप जला के उत्थे छोनी बना दिता गया। करके सानू सड़कां ते उन्हां ते प्रेस की आजादी जिहड़ा है खोया जा रहा, प्रेस नूं भी उत्थे जान नहीं दिता गया। प्रेस की आजादी ते भी ये धक्का कर रही है क्योंकि ये धक्कियां दी सरकार है। असी बस इन्ना कहना चाहते हैं भी बच्चे जेड़े नाल भी धक्का होया, कोई भी सरकार होवे, किसी भी राज होवे, जे मीडिया कोई आवाज़ उठाता जिहड़ा संविधान नू लेके अफसर ने अफसरशाही दिखाई है, चाहे वह IPS IAS आ जां PPS आ, उन्होंने संविधान पढ़िया जानू ने फिर भी उन्होंने उन्होंने लुको के किसी जनतक तौर पर उन्हों लुका के जिहड़ा धक्का होया वा उसनू मीडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी गल, मीडिया नाल जिहड़ा धक्का होया, आने वाली कोई भी सरकार होवे, किसी भी कांग्रेस BJP किसी की भी सरकार होए, उसनू कड़े चेतावनी यही आ भी मीडिया जिहड़ा थाडा काया पलट कर देगी जे इंसाफ ना मिले आने वाले समय च इहदा नतीजा जरूर भुगतना पेगा जी। जिहड़ा ये यूपी च कांड होया वैसे दुखदाई है, सब नूं दुख है, पर पत्रकार भाईचारे ने अज एकता का सबूत दिता है। कोटकपुरे के समूह पत्रकार इकट्ठे हुए है तो असी निंदा करते हैं सरकार की भी तो उत्थों की पुलिस की भी, भाई उन्होंने जो धक्केशाइया की पत्रकारों नूं नेड़े नहीं लगन दिता, इहदा मतलब बहुत ही जुलम हो रहा। गुंडा राज अज बहुत ही वड्या उपराला पत्रकार वीरां ने कीते आ, जो यूपी दे विच जो मनीषा बेटी है उहदे नाल बलात्कार करके उस दे उहदे नाल जिहड़ा लाश आ उह खुरद बुरद कीता जा रहा सी, ते उहदे जो सच्चाई नूं मुख रखण वास्ते जो साडे पत्रकार वीर उत्थे गए उन्हां नूं जाण नहीं दिता, ते अज हिंदुस्तान दे विच मां ते बेटी जे सुरक्षित नहीं तां ते मोदी सरकार नूं उस अहुदे ते बैठण दा अधिकार भी नहीं। नहीं कोई नहीं, बिल्कुल। जेकर मनीषा वर्गी कुड़ी नाल जे इह घटनावां वापरी है ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਚੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਪ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮੇ ਲੱਕੜੀ ਕਾ ਦਸਤਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਲੱਕੜੀ ਕੇ ਕੱਟਣੇ ਕਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੋਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ,
125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जो थानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लिव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।